हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन एजुकेशन स्टूडियो। दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा विजन आईएएस पीटी 365। और हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी जो है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है कि आपका विजन आईएएस जो पीटी 365 है वो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी जो उसको कम्बिनेशन में लेकर चलता है। तो इसलिए हम इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी जो इसको डिस्कस करेंगे, ये वाला हमारा टॉपिक है। टॉपिक टू रहेगा और टॉपिक थ्री रहेगा, दो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं। एक आपका टॉपिक है मीथेन एमिशन, दूसरा टॉपिक आपका आपका जो आज मैं डिस्कस करूंगा वो ओशन एसिडिफिकेशन। तो लेक्चर टू है हमारा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, सेकंड टॉपिक से पहले हम पढ़ लेते हैं थर्ड टॉपिक, पढ़ लेते हैं फिर सेकंड टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये देखते हैं ओशन एसिडिफिकेशन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ओशन एसिडिफिकेशन की बात की जा रही है। आपको तो ये पता होगा कि अब वाटर के एक एग्जांपल लो, वाटर का अगर पीएच वैल्यू अगर 7 है तो हम बोलते हैं कि वो पानी क्या है, वो पानी आपका है जी न्यूट्रल। ठीक है, अब वही पानी की अगर हम बात करते हैं कि उसका पीएच वैल्यू अगर 6 हो जाए, या पीएच वैल्यू उसका 5 हो जाए, या 4 हो जाए, या 3 हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि वो पानी जो है वो क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। यानी कि वो फिर पानी क्या है, उसकी एसिडिक कंटेंट में उसमें ज़्यादा है। फिर हम बात करते हैं कि अगर उसकी पीएच वैल्यू 8 हो, 9 हो, 10, मतलब कि पानी वो बेसिक है। ठीक है, बट यहाँ पे हमने यही देखा कि कुछ रिसर्चर्स वगैरह गए, कहाँ पे गए, आर्कटिक रीजन में गए। वहाँ पे जो आर्कटिक का जो हमारा वेस्टर्न रीजन है, वहाँ पे इन्होंने क्या देखा, आर्कटिक रीजन कहाँ पे, ये आपको पता है हमारा ग्लोब, ठीक है, अर्थ हमारी पूरी। यहाँ पे आपको जो नॉर्थ बिल्कुल पोल में आपको इक्वेटर आपका, और यहाँ पे आपको नॉर्थ में बिल्कुल पोल में देखने को मिलता है आर्कटिक ओशन। अब यहाँ पे आर्कटिक ओशन में कुछ रिसर्चर्स गए और उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे जो है एसिड लेवल जो है पानी का जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा आर्कटिक ओशन वाली साइड जो पानी है, इसका जो एसिड लेवल है वो बढ़ रहा है। मतलब पीएच वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 7 से कम हमें देखने को मिल रही है। तो हम ये बोलेंगे कि एसिड लेवल इतनी फास्ट बढ़ रहा है, आप ये मान सकते हो कि 3 से 4 गुना फास्टर हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब हम थोड़ा बता ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में अगर हम जाने, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारा आर्कटिक ओशन वाला रीजन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पीएच वैल्यू जो है वो हमारी रिडक्शन हो रही है। वही ओशन वाटर जो है आर्कटिक ओशन का, उसकी पीएच वैल्यू रिड्यूस हो रही है, लेस देन 7 हो रही है, जिसके कारण हम ये बोलेंगे कि बड़ी देर से हमें ये इंसिडेंस जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण बोलेंगे कि ओशन जो है वो एसिडिसिटी वहाँ पे जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसका कारण क्या है, क्या प्राइमरी कॉज है जिसके ओशन एसिडिफिकेशन हो रही है। अगर आपने शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की अगर आपने किताब पढ़ी है, तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि क्या होता है जी, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज अच्छा खासा मात्रा में हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है, तो आ जाके हमारा जो ये जो हमारे ओशंस है ना, यहाँ पे क्या होती है, हमारी वेजिटेशन होती है। तो ये वेजिटेशन क्या करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। क्योंकि आपको पता है वेजिटेशन का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करती है, अब्सॉर्ब करती है। तो वही क्या करेगी, वो अब्सॉर्ब करेगी कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वही एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो अच्छा खासा जो है वो अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड जो अब्सॉर्ब होने से क्या होता है, हमारा ओशन जो है वो एसिडिसिटी उसमें बढ़ जाती है, ओशन एसिडिफिकेशन हो जाता है। वो कैसे होता है, वो शंकर आईएएस से पढ़ते हैं, तब हम डिटेल में वहाँ पे देखते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है, हमारा ओशन एसिडिफिकेशन हमारा बढ़ता हुआ नजर आता है। तो अब यहाँ पे ये वही बोला कि जब ओशन एसिडिफिकेशन होगा तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट हमें किस पे देखने को मिलेगा, मराइन इकोसिस्टम पे देखने को मिलेगा, मराइन लाइफ फॉर्म्स पे देखने को मिलेगा। मतलब का मराइन का जो फूड चेन है बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसके बाद फिर हम बात करें, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि आर्कटिक ओशन रीजन जो है आपका, ये आपका आर्कटिक ओशन रीजन, ये मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है। ये आर्कटिक ओशन रीजन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो बेसिकली आर्कटिक ओशन रीजन है, पूरे तरीके से हमारा ये स्प्रेड हुआ हुआ है नॉर्थ पोल में। तो अगर हम इसका लैटिट्यूड देखें, मतलब किस लैटिट्यूड में है, ये हमारा 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में इक्वेटर से। अब आपको पता है, एक होता है जी आपका लॉन्गिट्यूड, एक होता है जी आपका लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, सपोज करो ये जी हमारी अर्थ, ये है जी आपका लैटिट्यूड, 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 ये है जी आपका लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड हमेशा हमारा क्या होता है, ये ईस्ट, नहीं नहीं लैटिट्यूड हमेशा हमारा क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड हमारा क्या होता है, लॉन्गिट्यूड हमारा होता है ये अर्थ है आपकी, लॉन्गिट्यूड हमारा होता है ये होता है आपका ये, मतलब कि आपका नॉर्थ से साउथ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लैटिट्यूड की बात की जा रही, किस लैटिट्यूड में है, ये हम बोलेंगे कि 66.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब कि नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। अब ये इक्वेटर के नॉर्थ है ना, ये इक्वेटर के साउथ है नीचे वाली साइड, हम बोलेंगे कि नॉर्थ ऑफ इक्वेटर जो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे हमें देखने को मिलता है आर्कटिक ओशन वाला रीजन। ठीक है,
तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस मैं बताऊं, इंपॉर्टेंस अगर बताऊं आर्कटिक रीजन की, तो आपको ये चीज पता है कि हमारा क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा फास्ट रेट से बढ़ रहा है कि हम ये बोलेंगे कि इसका इम्पैक्ट हमें किस पे देखने को मिल रहा है, ग्लेशियर्स पे देखने को मिल रहा है। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको यही बोला कि हमारा क्लाइमेट चेंज जो है इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका इम्पैक्ट जो है हमारे किसके ऊपर देखने को मिल रहा है, हमारे ग्लेशियर्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। वो कैसे, क्योंकि जब क्लाइमेट मतलब कि आपको पता है जब हम इतनी ज़्यादा गैसेज की जब एमिशन करेंगे तो हमारी जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन होती है तो क्या होगा, इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका वातावरण जो हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। और क्या होगा, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो गर्मी के कारण क्या करेंगे, मेल्ट करना शुरू कर देंगे। तो वही हम बोलेंगे कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर बात की जा रही है आर्कटिक ओशन की बात की जा रही है, तो उसकी मेल्टिंग देखने को मिल रही है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। तो फिर हम बात करते हैं कि इससे क्या होगा, इससे ये चीज़ होगी कि हमारा जो आर्कटिक रीजन वाली साइड है वहाँ पे क्या होगा, हमारे कई सारे ऑयल रिजर्व, कई सारे गैस रिजर्व, कई सारे मेटल्स, कई सारे मिनरल्स, वो जो है ग्लेशियर्स के नीचे जो है वो दबे हुए हैं। अब ये जब ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये चीज़ें जो है बाहर निकलती हुई आएंगी। जब बाहर निकलती आएंगी तो हम क्या करेंगे, उनका एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। तो हम ये बोलेंगे कि एक किस्म का हम बोलेंगे कि हमें इकोनॉमिक एक्सप्लाइटेशन हमें देखने को मिलती है, यानी कि हम इन चीज़ों का जो है वो एक्सप्लाइटेशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑयल रिजर्व, गैस रिजर्व जो भी तक जो है वो अंडर रिजर्व थे, मेटल मिनरल, अब उनका अच्छा खासा एक्सट्रैक्ट आउट जो है वो करना शुरू कर देंगी सारी कंट्रीज, आना शुरू हो जाएंगी। इससे एक हमें नया ट्रेड रूट जो है वो देखने को मिलेगा, नॉर्थ सी रूट जो है, यानी फिर बोल सकते हैं एक नया ट्रेड रूट हमें देखने को मिलेगा। लोग यहाँ पे चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसका व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे। फिर हम बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है वार्म ओशन करंट होती है, कोल्ड ओशन करंट होती है, लेकिन जब क्लाइमेट चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी जो ओशन करंट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, वार्म हो जाएंगी, पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। अब वो पानी जब गर्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है जब पानी जब मूव करता है टूवर्ड्स द आर्कटिक रीजन, तो हमारा वहाँ पे जो ग्लेशियर्स है उसका क्या होगा, उसकी मेल्टिंग होना शुरू हो जाएगी। अब उसकी मेल्टिंग होना शुरू हो जाएगी तो सी लेवल का राइज होगा। अब सी लेवल कुछ इंचीज जो हमें राइज होता हुआ देखेगा, वो कितने इंचीज राइज होगा वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आर्कटिक रीजन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो हम बोलेंगे कि इसको हम कैटेगराइज करते हैं, करेक्टराइज करते हैं हम आर्कटिक रीजन को वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज बैरोमीटर से। फिर हम बात करते हैं कि अब इंडिया का मैं रिलेशन देख लेता हूँ आर्कटिक के साथ क्या रिलेशन है। तो आपको पता है कि आर्कटिक ओशन जो है इसको रिसर्च करने के लिए इंडिया ने कई सारे एफर्ट्स लिए हैं। जैसे कि मैं बात करूं आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम हमारा चलाया गया है 2007 से अभी तक चल रहा है, हमने कई सारी एक्सपीडिशन जो है अभी तक जो है वो कर ली है। फिर हम बात करते हैं जी, आपको हमारी इंडिया की फर्स्ट आर्कटिक पॉलिसी उसका भी अनवील किया गया है। फिर आपको पता है कि इंडिया जो है आर्कटिक काउंसिल का एज ए ऑब्जर्वर जो है वो बना है। फिर हम बात करते हैं कि इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया ने अपना आर्कटिक स्टेशन जिसका नाम है हिमाद्री, तो ये बेसिकली लोकेटेड किया हुआ कहाँ पे है, हमारा नॉर्वे में, जहाँ पे हम ये बोलेंगे कि इसकी हेल्प से कई सारी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अभी तक हमने कर ली है 2008 से। फिर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं आर्कटिक एम्पलीफिकेशन के बारे में भी। तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो आर्कटिक रीजन है यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये बड़ा ही ज्यादा हीट हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा जो है वो हीट हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हीट होगा चार गुना ज़्यादा हमारा हीट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि ग्लेशियर भी मेल्ट जो है वो चार गुना ही ज़्यादा होंगे। तो हम बोलेंगे उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि ये किसके कारण हो रहा है, ये आर्कटिक एम्पलीफिकेशन के कारण हो रहा है। आर्कटिक एम्पलीफिकेशन क्या होता है, यही है ना कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ग्लोबली टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारा जो है ग्लेशियर्स के ऊपर होगा। हमारा जनरली अगर हम बात करें आर्कटिक रीजन जो है वहाँ पे हमारी मेल्टिंग बड़ी तेज़ी से होगी, जितनी तेज़ी से हमारी ग्लोबल वार्मिंग होगी उतनी ही तेज़ी से हमारी जो है वो ग्लेशियर जो उनकी मेल्टिंग होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही बोला गया चार गुना तेज़ी से अगर हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, चार गुना तेज़ी से हमारा वो जो है ग्लेशियर जो उनकी मेल्टिंग होगी, तो इसी को हम बोलते हैं आर्कटिक एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ है हमारे आर्कटिक एम्पलीफिकेशन के, किसके कारण हमारी आर्कटिक एम्पलीफिकेशन होती है। तो पहला आ गया जी आपका ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो रही है तो हमारा आर्कटिक रीजन जो है यहाँ पे हमारा जो ग्लेशियर की मेल्टिंग बढ़ी है एक हाई स्पीड हाई पेस के साथ देखने को मिल रही है। एल्बिडो इफेक्ट भी देख लो, ठीक है, अब एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है, यही है कि आपका जो अर्थ है या फिर हम बात करें कि आपकी जो ग्लेशियर्स है वो कितनी सनलाइट को कितना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप सनलाइट आ रही है उसको कितना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो हमारा एल्बिडो इफेक्ट पूरा बताता है।
तो यहाँ पे एल्बिडो इफेक्ट भी एक मेन कारण है। फिर हम बात करते हैं कि लैप्स रेट फीडबैक, तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण हम बोलेंगे कि आर्कटिक एम्पलीफिकेशन हमें देखने को मिल रही है। अब जनरल सी बात है कि अब जब इस टाइप की कंडीशन जनरेट होगी, आर्कटिक रीजन जो है यहाँ पे ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होगी, तो इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट हमारा फ्लोरा और हमारे फोना पे देखने को मिलेगा। फोना की अगर हम बात करें, पोलर बियर पे देखने को मिलेगा, वेल्स पे देखने को मिलेगा, सील्स पे देखने को मिलेगा। जब इनका हैबिटेट ही लॉस हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, माइग्रेशन करना शुरू कर दें। यहाँ पे हमें माइग्रेशन देखने को मिलेगा, माइग्रेंट करेंगे ये। फिर हम बात करते हैं कि हमें और क्या चीज़ देखने को मिल रही है, एक नया सी ट्रेड रूट हमें देखने को मिल रहा है नॉर्थ साइड में, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लेशियर्स थे, ग्लेशियर्स के नीचे आपके ऑयल रिजर्व, गैस रिजर्व, मेटल, मिनरल सब जो है दबे हुए थे, ठीक है। जब ये ग्लेशियर मेल्ट करेगा तो ये बाहर निकलते हुए आएंगे, जब बाहर दिखेंगे तो सब कंट्रीज़ जो है इसको एक्सट्रैक्ट आउट करना शुरू कर देंगी, तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हमें देखने को मिलेगा। तो नया सी ट्रेड रूट देखने को मिलेगा टूवर्ड्स द नॉर्थ। फिर हम बात करते, वही एक्सट्रैक्शन की गई हमारे नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह उनको करने के लिए। फिर हम बात करते हैं, एक टर्म भी बड़ी इस्तेमाल की गई है, जोम्बी आइस या डूम्ड आइस। ये जोम्बी आइस या डूम्ड आइस क्या है, ये बहुत बड़ा एक आप लार्ज पीस बोल सकते हो हमारा ग्लेशियर का, जो एक हमें आइस शीट देखने को मिल रही, मैसिव आइस शीट जो जनरली हमारे आर्कटिक रीजन में है, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि ग्लोबल टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और इस पर इम्पैक्ट इसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये सोचो, इतना बड़ा पीस है हमारा ग्लेशियर का, तो ये जब मेल्ट करेगा तो इसके हम बोलेंगे कि 10 इंचज ऑफ सी लेवल हमें राइज होता हुआ दिखेगा ग्लोबल लेवल पे। तो ये सब कुछ जो है तभी ज़ोंबी आइस या डूम्ड आइस जो है ये भी हमारा न्यूज़ में था। फिर हम बात करते हैं आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड हमारी आई है 2022 की। अब ये आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड जो 2022 की है ये बोलती क्या है, हम ये बोलेंगे कि ये रिपोर्ट कार्ड है जिसको रिलीज़ किसके द्वारा किया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स की NOAA के द्वारा, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके द्वारा जो हम बोलेंगे ये रिपोर्ट कार्ड जो है वो रिलीज़ की गई यूनाइटेड स्टेट्स की हमारी ये। तो ये हर साल जो रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है, अगर हम बात करें 2006 से जो है हर साल को रिलीज़ किया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जो है बताई जाती है आर्कटिक रीजन के बारे में। अब यहाँ पे इस रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, आप ये मान सकते हो कि हमारा 2 गुना फास्टर जो है हमारे ग्लेशियर जो है वो मेल्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर के इतने ज़्यादा राइज होने के कारण। तो ये था जी आपका पूरा टॉपिक ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में, तो हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया इसके बारे में। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिथेन एमिशन के बारे में, ठीक है। अब ये टॉपिक देख लेते हैं, अच्छा हो जाएगा, अभी 12 मिनट ही हुए हैं। अच्छा, मिथेन एमिशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे मिथेन की अगर हम बात करें, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं मिथेन के बारे में। तो मिथेन क्या, हमारी एक कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, तो ऑर्डरलेस गैस है, कलरलेस गैस है, एक नेचुरल गैस का हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी कंपोनेंट है। लाइफ स्पैन की बात करें, कब तक ये जिंदा रह सकती है, तो मतलब कि आप देख सकते हो कि 20 साल तक जो है इसका लाइफ स्पैन है, ये एटमॉस्फेयर में तब तक बनी रह सकती है। अगर आज अगर आप मिथेन का रिलीज़ करते हो तो 20 साल तक जो है ये एटमॉस्फेयर में जो है वो प्रेजेंट रहेगी, तो सोचो 20 साल तक ये तबाही मचाएगी। तो हम ये बोलेंगे कि ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना की जाए, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी या बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन ये हमारा कम क्वांटिटी में हमारी मिथेन एज़ कम्पेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड, बट ये ज़्यादा पोटेंशियल रखती है हमारे क्लाइमेट को गर्म करने में। वही लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अगर ज़्यादा देखा जाए तो वो किसका है, वो हम बोलेंगे कि मिथेन का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड, 80 गुना ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से। अब ये सोच सकते हो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा तो है क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर में, बट उसका इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग करने का, जितना अगर हम बात करें मिथेन का। मिथेन है बड़ी मतलब कि बड़ी कम क्वांटिटी में, लेकिन उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा, एटमॉस्फेयर को गर्म जो है बड़ी ज़्यादा देर तक जो है वो रख सकती है, बड़ा ज़्यादा पोटेंशियल, बड़ी ज़्यादा कैपेसिटी है। फिर हम बात करते हैं कि अब न्यूज़ थोड़ी देख लेते हैं, तो ग्लोबल मिथेन असेसमेंट 2030 बेसलाइन रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की गई है। तो आपको पता हमारी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और CCAC यानी कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर जो एयर कोलिशन, तो अब ये देख सकते हो कि ये और UNEP इन दोनों ने मिलकर, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो इन दोनों ने मिलकर ग्लोबल मिथेन असेसमेंट 2030 बेसलाइन रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की है, लॉन्च की है। और इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है हमारे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, तो इसका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 है वहाँ पर इस रिपोर्ट को लॉन्च या रिलीज़ किया गया। और उसमें यह बताया गया कि मिथेन का जो रिलीज़ है बड़े ह्यूज अमाउंट, ह्यूज क्वांटिटी में देखने को मिल रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ टारगेट सेट करने पड़ेंगे। तो हमने टारगेट सेट किया ग्लोबल मिथेन प्लस टारगेट, बट वही बात है ना, ये जो टारगेट्स है इसको इंडिया ने जो है वो ज्वाइन नहीं किया है। तो ये हमारे मिथेन प्लस टारगेट जो है अभी रिसेंटली जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ज्वाइन किया गया है। अब इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है तो इसलिए हमारे लिए ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जनरल थोड़ा बहुत हल्का सा पता होना चाहिए इसके बारे में। अब की फाइंडिंग रिपोर्ट्स में क्या निकल कर आई हैं,
की फाइंडिंग अगर हम देखें तो हम ये बोलेंगे कि मिथेन का जो हम बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ मिथेन जो हमारा एटमॉस्फेयर में है, हमें वो ये देखा गया है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो था हमारा उससे 220-260% हमें देखने को मिल रहा है। मतलब आप देख सकते हो कि 260% हमें जो है जो इंडस्ट्री से पहले जो हमारा मिथेन का लेवल था उससे 260% हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं रिपोर्ट में ये चीज़ आई है और ये बोला गया उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, ह्यूमन जो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। 45% कॉन्ट्रीब्यूशन जो मिथेन का जो एटमॉस्फेयर में है वो ह्यूमन के कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रही है 45% जो है वो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तब 2021 जो है ये भी डिक्लेयर किया गया कि लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज हमें देखने को मिला पूरे साल का सबसे ज़्यादा 2021 में मिथेन का। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में और जान लेते हैं। तो ग्लोबल मिथेन प्लज की बात करें GMP, तो हम ये बोलेंगे कि इसको जो है वो किसके द्वारा लाया गया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन जो इन दोनों के द्वारा लाया गया। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इसको ज्वाइन किया, बट इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया। इंडिया ने इसलिए इसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि हम ये बोलेंगे आगे मैं बताऊँगा, लेकिन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब हम बात करूँ मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही बोला गया इस टारगेट में मिथेन के एमिशन जो हमें रिड्यूस करनी है। मतलब कि हमें कब तक करनी है, 2030 तक करनी है। और कितनी करनी है, अगर 2020 को हम बेस मानकर चलें, 2020 से पहले जितना हमारा मिथेन था, सपोज करो जितना भी था एक्स अमाउंट ऑफ मिथेन था, इससे हमें जो है 30% कम रखना है मिथेन हमें कब तक, 2030 तक। तो बट इंडिया ने इस चीज़ को ज्वाइन नहीं किया। इंडिया ने क्यों नहीं ज्वाइन किया, इंडिया ने इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि इंडिया को पता था अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँगा तो मेरा ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि इंडिया के यहाँ पे फार्म सेक्टर हमारा बड़ा एक वास्ट में है, ठीक है। हमारा यहाँ पे लाइव स्टॉक देख लो, अब आपको पता है कि एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी है यहाँ पे, ठीक है। लाइव स्टॉक पे हम कितने सारी हमारी रूरल इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पर रूरल इकोनॉमी डिपेंड करती है। अब यहाँ से अच्छा खासा मिथेन जो है वो रिलीज़ होता है, तो अब ऑब्वियसली बात है जब हम मिथेन को कट करने की बात करेंगे तो हमारा इनके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लाइव स्टॉक पे, और उसके बाद हम बात करें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, जिसके कारण हम ये बोलेंगे कि हमारी रूरल इकोनॉमी जो है वो हमारी अफेक्ट हो सकती है। तभी इंडिया ने क्या किया, इस चीज़ को जो है वो ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। तो ये था जी आपका मिथेन एमिशन के बारे में भी, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने यहाँ पे सारा कर लिया। बाकी हमने उतना ही पढ़ना होता है, मैंने आपको पहले भी चीज़ बोली, आप लोगों ने स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना, क्योंकि हार्ड वर्क जो है जितने बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं सब हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट सिलेक्शन किसकी होनी, सिलेक्शन उसी की होनी जो स्मार्ट वर्क कर रहा है। हार्ड वर्क भी ज़रूरी है, बट हार्ड वर्क भी जो है स्मार्ट वर्क वे से करो। आपको ये नहीं कि विजन IAS की PT मैगजीन है, PT 365 मैगजीन है, आप क्या करो उसका सारा पढ़ना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं करना है। हमने सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी जो कि एग्ज़ाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट क्या चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने पड़ते हैं। अब जब प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें जो है वो पूछी जा रही, क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए आपने बस उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछा जाए, ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी, क्योंकि आपको बड़ा सिलेबस पढ़ना है। फालतू की चीज़ें पढ़ने के लिए बड़ा सिलेबस है, अभी आपको एथिक्स पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, वो भी कितने स्टैटिक सब्जेक्ट है। अगर आप यहाँ पे भी बेफजूल की चीज़ें अपने कचरा दिमाग में डालते जाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपका सारा जितना इंपॉर्टेंट था मैंने सारा आपका डिस्कस कर लिया। बाकी आप विजन PT 365 मैगजीन लेकर आओ, देखो यहाँ पे मैच करो। ऑलमोस्ट हमने जो है वो कवर किया, थर्ड न्यूज़ तो हमने सारी की सारी कवर की है पूरी की पूरी। बाकी सेकंड जो है ये जो मेरे को इंपॉर्टेंट दिखा मैंने वो कवर किया। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और इंपॉर्टेंट भी लग रहा है वो आप अपने हिसाब से जो है कर लो, ठीक है। बट मेरा मानना ये है जो इंपॉर्टेंट था सेकंड टॉपिक मैंने आपको सारा करवा दिया, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंडिया अगर इसका मेंबर होता तब हम इस सेकंड टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ते। इंडिया जो है इसने ज्वाइन नहीं किया इस चीज़ को, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपको मिथेन एमिशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है सेकंड लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो जाता है विजन IAS PT 365। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाकी वही चीज़ अगर वीडियो यार अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, हमें मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। अगर आप लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा आगे वीडियो जो है फिर हमें बनाने का एक मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। तो इसलिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और साथ में हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। आप लोग वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऊपर जो है उसको ऑन कर दो, ठीक है। बाकी आगे जो भी आपको नोटिफिकेशन होगी आपको पता चलती जाएगी जो भी वीडियोस आएंगी। तो बस इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है। थैंक यू।